हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम माँ की वोकैबुलरी जानने वाले हैं, वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ग्राहक। ग्राहक को हम कहते हैं कस्टमर। कस्टमर। दुकान, शॉप, शॉप। नेक्स्ट वर्ड है वस्तु। इसको हम इंग्लिश में थिंग्स और गुड्स कहते हैं। थिंग्स और गुड्स। नेक्स्ट है मूल्य। मूल्य को हम प्राइस कहते हैं। प्राइस। निवेश को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट। नगद, इसको हम कहते हैं कैश। कैश। उधार को हम कहते हैं बोरो या लोन। बोरो या लोन। लाभ, बेनिफिट और प्रॉफिट। बेनिफिट्स और प्रॉफिट। हानि को हम कहेंगे लॉस। लॉस। संपत्ति को हम कहेंगे प्रॉपर्टी और असेट्स। प्रॉपर्टी और असेट्स। खरीदारी, शॉपिंग। शॉपिंग। खरीदना, परचेज और बाय। परचेज और बाय। खरीदार को हम कहेंगे बायर और परचेजर। बायर और परचेजर। अगला वर्ड है विक्रेता। इसको हम कहेंगे सेलर और डीलर। सेलर और डीलर। इन दोनों ही वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। सस्ते को हम कहते हैं चीप। चीप। महंगे के लिए भी हम दो वर्ड्स का यूज़ करेंगे। पहला है हमारा कॉस्टली और दूसरा है हमारा एक्सपेंसिव। कॉस्टली और एक्सपेंसिव। महंगाई को हम इंग्लिश में कहेंगे डेयरनेस। डेयरनेस। मोल भाव को हम कहते हैं बार्गेनिंग। बार्गेनिंग। विकल्प या दो में से कोई एक, तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव। फुटकर विक्रेता, रिटेलर। रिटेलर। आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डाउन टर्न। इकोनॉमिक डाउन टर्न। दलाल को हम कहेंगे ब्रोकर। ब्रोकर। तेजी को हम कहेंगे बुलिश। बुलिश। व्यापारी को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडर। ट्रेडर। नामी कंपनियां, यानी वो कंपनियां जिनका लगातार एक अच्छे प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है, तो उसको हम कहेंगे ब्लू चिप्स कंपनी। ब्लू चिप्स कंपनी। फलों की दुकान, ग्रीन ग्रॉसरी। ग्रीन ग्रॉसरी। किराने की दुकान, ग्रॉसरी स्टोर। ग्रॉसरी स्टोर।